नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से पूर्व विधायक का बेटे को बदमाशों ने हनी ट्रैप में फंसा लिया और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। पीड़ित ने बदमाशों को पैसे भी दिए, लेकिन जब उनकी मांग पड़ने लगी तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पीड़ित की शिकायत पर बदरपुर थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धारे में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अपने परिवार के साथ दक्षिण पूर्वी दिल्ली में रहता है। उसके पिता दो बार दिल्ली से विधायक रह चुके हैं। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उसने बताया कि उसके पास 30 मार्च की रात को इंस्टाग्राम पर एक युवती ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पीड़ित ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। युवती ने अपना नाम पीहू बताया। दोनों की दोस्ती हो गई और बातें होने लगी। इसी बीच युवती ने पीड़ित को 3 अप्रैल को बताया कि उसने पास पीड़ित की असली फोटो है, जिन्हें वह उसके घर वालों को भेजेगी, नहीं तो उसे पैसे दे। पीड़ित को धमकी देकर उससे करीब 70,000 रुपये वसूल लिए। पैसे लेकर आरोपी महिला ने उसे धमकी देना जारी रखा। आरोपी ने कहा कि या तो वह 5,00,000 रुपए दे, नहीं तो उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। परेशान होकर पीड़ित ने 30 जून को मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। बदरपुर थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस के साथ ही साइबर सेल की टीम को मामले की जाँच के लिए लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।